हाय हेलो मीठी अमन, जी, हाउ आर यू? गुड अमन, हाउ आर यू? आई एम गुड। और कैसी हैं? अच्छी अमन। हेलो बिल्कुल। एवरीवन। और आज देख रही हो कितने सारे इंटरव्यूज आ रहे हैं शहनाज हाँ, के। अच्छा, मैंने तो दो देखे, सिद्धार्थ कनन वाले और बॉलीवुड बबल वाले। हाँ यार, कितना कुछ एक साथ हो रहा है ना। बहुत अच्छी लग रही है। इंटरव्यू भी बहुत अच्छा था। आपको क्या क्या अच्छा लगा इंटरव्यू का, थोड़ा बताएं। इंटरव्यू काफी अच्छे आए शहनाज के। हाँ, उसके जो इंटरव्यूज तो काफी विटी आए हैं। कुछ कुछ चीजें आई हैं, कुछ कुछ ऐसी बातें भी बोली हैं इनडायरेक्टली जो हमें समझनी चाहिए और उसी को फॉलो करनी चाहिए। करेक्ट। और शहनाज ने अपना, उनसे जब क्वेश्चन पूछा गया स्ट्रगल के बारे में, तब उन्होंने बोला ना स्ट्रगल वाला, कि उन्हें कही मूवी वो सेकंड लीड थी और उन्हें ही प्रीमियर पे नहीं बुलाया। प्रीमियर सच में उस पे मोमेंट नहीं पे थोड़ा बुलाया मैं गया। भी हाँ, तो इमोशनल हो गया। सिद्धार्थ कनन भी इमोशनल हो गए थे उस बात को सुनकर। सच में वो थोड़ा इमोशनल हो गए, तभी तो फिर उन्होंने नैपकिन मांगा सच में। और शहनाज का उस टाइम क्लोजअप भी लिया, शहनाज की आंखों में भी आंसू थे तब, है ना। दोनों दोनों की आंखों दोनों की आंखें नम हो गई थी। सच में बहुत ही इमोशनल। प्रवीण जी कह रही हैं यह समन रोना आ गया। सच में प्रवीण जी, वो देख के सच में यस। रंजना जी, बहुत ही इमोशनल इंटरव्यू था। इसीलिए हम कहते हैं कि पॉजिटिव रहिए गाइस, है ना। जैसे चीजें आ रही हैं उनको वैसे ही लीजिए, है ना। और आप देख रही हो मीठी जी कि ओनली 4 days लेफ्ट फॉर द मूवी रिलीज। ओनली हाँ, 4 दिन बाद मूवी आने वाली है आपका। खुश तो बहुत है। मूवी आने वाली है सना की। और मैं उन लोगों को भी बता दूं जो लोग टिकट बाय करना चाहते हैं, बुकिंग्स स्टार्ट हो चुकी हैं। आप बुक माई शो पे अपनी लोकेशन डालें, आप जिस भी सिटी में रहते हैं, और वहां पे देखिए टिकट्स अवेलेबल आने लगी होंगी। क्योंकि अभी मैंने देखा है ट्विटर पे काफी लोगों ने टिकट्स बुक करना स्टार्ट कर दी हैं। तो जो भी लोग हाँ, देखने जा रहे हैं अपनी अपनी सिटी में मल्टीप्लेक्स में, तो अपनी लोकेशन डाल के बुक माई शो ऐप पर देख सकते हैं, उनके में अवेलेबल आने लगा होगा। सो सभी लोग अपनी अपनी टिकट्स बुक कर लें, ठीक है। और बेस्ट विशेस दें, क्योंकि शहनाज गिल का ये बॉलीवुड डेब्यू है। और जितना हो सके प्लीज नेगेटिव चीजों से दूर रहो, है ना। सना की पिक्चर्स भी आई हैं इंस्टाग्राम पर, उसे भी लाइक करें, कमेंट करें सारे जाकर। यस, शहनाज की पिक्चर्स वीडियोस आई हैं। देखो इंस्टाग्राम जो भी चीज हो रहा है हम सभी जानते हैं क्या हो रहा है ना। तो प्लीज, हम हमारे हाथ में कुछ नहीं है उस चीज को लेके, ना कि हम जाएं लिखें लड़ें। हम तो अपने आइडल पे अमन ही फोकस कर सकते हैं। अमन, वो बात नहीं है। देखिए अमन, वी वर ऑलवेज रेडी फॉर ऑल दिस। हमें पता था मूवी आएगी, ये सब होगा। बट दुख इस बात का है कि ये चीज गलत टाइम पर और गलत प्लेटफॉर्म पे हो गया, ठीक है। और दूसरी बात, दुख इस बात का और है कि जो एक इंसान अब हमारे मतलब फिजिकली हमारे बीच में नहीं है, अननेसेसरीली उसका नाम लिया जा रहा है और जिसका बिल हमारी सेना के नाम पे फटेगा। दुख इस बात का है। आप हाँ, सोचो, वो हेटर्स है ना, वो अननेसेसरीली इस चीजों का फायदा उठा लेते हैं। भी आप देखो अमन, अननेसेसरीली आप उस बंदे का नाम ले रहे हो जिसका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। बातें सही कही गई हैं, ठीक है। बीइंग सिद्धार्थ फैन, हम ये नहीं चाहते हैं कि सना मूव ऑन ना करे करे लेकिन जहाँ सना की मर्जी हो, जहाँ सना का दिल हो, जहाँ सना खुश हो, वहाँ मूव ऑन करे। यहाँ तो चीजें थोपी जा रही हैं। आपने देखा ना, थ्रू आउट आपने देखा ना, हम सब ने देखा है, सना का एक्सप्रेशन एकदम ब्लैंक था। ब्लैंक, शी वॉज ब्लैंक।
प्रजाक्ता जी कह रही हैं, सना ने बोला है साइलेंस बेस्ट इम्पोर्टेंट है। हाँ, जो बॉलीवुड वाला इंटरव्यू है उसने कहा ना, साइलेंस रहो वो हम सब दिखाता है। साइलेंस हैं, लेकिन देखो अमन, कुछ लोग इमोशनल इमोशनली अटैच हैं, ठीक है। आप बोल रहे हो सिद्धनाथ सिद्धनाथ ऐसी बातें, नहीं, हम उस पर थोप नहीं रहे हैं। सिद्धनाथ हमारे लिए, सिद्धनाथ एक इमोशन है, हम उस इमोशन से अटैच हैं। अब आप बोलोगे कि इमोशन से अचानक से आप अलग हो जाओ, वो तो हम नहीं कर सकते ना। ना तो हम सना को छोड़ सकते हैं, ना ही हम सिद्धार्थ को छोड़ सकते हैं, ठीक है। अगर हमारे शरीर के दो अंग है, आप किसी भी अंग को चोट पहुंचाओगे तो हमें दर्द उतना ही होगा, चाहे आप सना के लिए बोलो, चाहे आप सिद्धार्थ के लिए बोलो। वहां पे अननेसेसरीली एक इंसान का नाम लिया गया जो हमारे बीच में नहीं है। आप सोचो हमें इतना हर्ट हुआ, तो उनके फैंडम वालों को कितना हर्ट होगा। ये चीज सोचनी सभी को चाहिए थी, हर्ट ठीक होगा, है है। ना। और सेनास के लिए भी इतना वो, और हेटर्स नेगेटिविटी करते हैं ना, फिर ये सब चीजें आती हैं और ना आप, कि और एक बात लाइक है, ठीक है, और देखो कंसर्न है सलमान सर, ठीक है, हम ग्रेटफुल भी हैं कि सलमान सर उसको इतना प्रोटेक्ट करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, उसको पहला चांस दिया, उसको पहला ब्रेक दिया, हम सब ग्रेटफुल हैं इस बात के लिए। लेकिन अगर सलमान सर इतना सब कुछ सोचते हैं, उनको ये बातें उसे पर्सनली समझानी चाहिए। ऐसे मौके पर पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आके ये बात उठाना, ये तो मतलब फैंस के सेंटिमेंट को हर्ट करना हुआ ना। और एक तरीका भी होता है मन बोलने का, और वो तरीका आई डोंट थिंक वो तरीका सही था कि तुम लोग बिना मतलब सिद्धना 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 करते हो। अरे व्हाट इज, हमारे लिए सिद्धना सिर्फ एक हैशटैग तो नहीं है? हमारे लिए कभी सिद्धना सिर्फ एक हैशटैग नहीं था। हमारे लिए सिद्धना हमारी पूरी दुनिया है। इट इज आवर इमोशन, इट इज नॉट अ कपल, एंड इट इज नॉट अ हैशटैग फॉर अस। ये बात समझनी चाहिए थी, ठीक है। हम सब कंसर्न है, हम सब चाहते हैं सना मूव ऑन करे। ऑफ कोर्स वो कोई ये थोड़ी है कि वो कोई जानवर थोड़ी, हम सोचते हैं खुदे से उसे बांध कर रख दें, बिल्कुल नहीं। लेकिन हम हमेशा उसके साथ है, हर उसके हर एक मूव में, उसके और हर एक क्या स्टैंड यार, में हम उसके साथ है। लोग, हाँ लेकिन हम बस ये या चाहते वही तो हैं, मेरा पॉइंट। हम हमारी हम सारे लोगों की एज फैंस बस यही चाहते हैं हम, जहाँ सना की खुशी हो, जहाँ सना दिल से खुश हो, वहां सना मूव ऑन करे, हम उसके साथ हैं। लेकिन यहाँ बिल्कुल, हम चीजें हमेशा साथ हम हैं। यहाँ से अमन लिटरली दिख रहा है कि उसके ऊपर चीजें थोपी जा रही हैं। शी इज नॉट इंटरेस्टेड, शी इज नॉट रिवर्टिंग बैक किसी भी बात पे। आप देखो एक जगह सना डिसएग्री भी कर गई है सलमान सर, नहीं सर जो मुझे चाहे नहीं, मैं नहीं, जिसे हाँ चाहूंगी उन्होंने फिर। बोला ये सर, यहाँ आप गलत हो, वो सुना हाँ मैंने, हाँ सबने उसने देखा। उसने दो तो बोल भी दिया है सलमान सर को वहां पे, जबकि ये चीज हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था। उसने बोल भी दिया कि सर यहाँ आप गलत हो, मैं जिसे चाहूंगी मैं उससे अब प्यार करवा लूंगी। इसका मतलब वो साफ साफ बोल रही है, आई एम नॉट इन, आई एम नॉट लाइकिंग एनी वन राइट नाउ, आई एम नॉट इन अ मूड टू लाइक एनी वन राइट नाउ, राइट नाउ आई एम फोकसिंग ऑन माई करियर, सिंपल एज दैट। अब आप उस चीज को लेके जा रहे हो नेगेटिव साइड पे, आप एक ऐसे इंसान का नाम दे रहे हो जो है नहीं अभी हमारे बीच में, तो वो कितना क्रिटिकल चीज है हमारे लिए। इस बात को आपको समझना चाहिए था ना। और आप ये देखिए क्या यार चीज हुई है यार, ये मुझे भी थोड़ा लगता है यार कि ये क्या है, जो इंसान बोला था खुद ही, दो जिस्म एक जान वो ठीक है सिडनास। अमन, वो ठीक है, हो सकता है अपने हालात को देखते हुए, उसके कंडीशन को देखते हुए, या उसको अपसेट देखते हुए, उसके फ्यूचर को सोचते हुए आपने कहा, ठीक है, आई अग्री विद दैट। आप सोच रहे हैं, आप बोल रहे हैं, लेकिन आप ये चीज उसको सेपरेटली बिठा के समझा सकते थे ना। आपने जो डायरेक्ट प्लेटफॉर्म पे आके इतने लोगों के सामने कहा है, इतने लोग पूरा नेशन वाइड सुनता है, कपिल शर्मा से देखता है, ठीक है, हम चलो जानते हैं सना को, ठीक है। जो नहीं जानते हैं, जो सिर्फ कपिल शर्मा शो देख रहे हैं या अचानक से देख रहे हैं, वो तो बोलेंगे अच्छा अच्छा हाँ अच्छा, अब इसके साथ हो रहा है, अच्छा इसके साथ बातें चल रही है, तो लोगों को सोच सोच तो हम नहीं रोक पाएंगे ना।
और नहीं, और बात आप समझ नहीं रही, इससे फैंडम भी तो ब्रेक हो रहा है, ऐसी चीजें होंगी हाँ तो ऑफ कोर्स ऑफ फैंडम ब्रेक होता कोर्स है यार, ब्रेक आप ऐसे होगा। नहीं कह सकते यार, हम भी तो कितना ऐसे सपोर्ट कैसे करते बोल हैं, सकते हो, हम इतना उसको सपोर्ट करते फैंडम हैं, ब्रेक होता है और यार आप उसके फैंस हमारे ऊपर, का। तो ये तो हमारे ऊपर ब्लेम है ना कि हम उसके ऊपर कितना थोप रहे हैं। हम उसके ऊपर क्यों थोपेंगे सिग्नल, से हम हम होते तो कौन है उसके ऊपर थोपने वाले। हम हमेशा साथ हैं, अरे हम हमेशा साथ हैं सेना, हम जो तो भी करेंगी जो भी हमेशा बोलते चाहेंगी हैं, एनीथिंग। हम सब लोग हमेशा बोलते हैं हम सना के साथ हमेशा आए हैं। वो जो मूव लेगी हम उसके साथ हैं हमेशा, उसके पर्सनल लाइफ में हो चाहे उसके प्रोफेशनल लाइफ में हो। मैं पता है क्या सोचता हूँ, सलमान खान ऐसे बोल सकते थे कि जो भी लोग शहनाज को मूव ऑन करने से रोकते, ऐसे कह देते ये ना कहती सिडनास का ना करते यूज, ये मेरा पॉइंट है, ये कह दिया ना सिडनास सिडनास करते रहते, ये वाली लाइन, देखो ये शायद अब उन्होंने गलत तरह यूज से कर ली वो। देखो एक मिनट, सलमान नहीं दीजिए सर, रुको तो सही, एक मिनट, मैं कहने का चाह रहा हूँ कि वो ऐसे बोलते थे कि जो भी लोग इसको रोक रहे हैं, मतलब जो इसके अगेंस्ट ट्वीट करते हैं, जो इसके अगेंस्ट हेट फैलाते हैं, वो ऐसे ना करें, उन्होंने ये बोल दिया ना सिडना सिडना करते रहते हो, यहाँ पे लोग थोड़ा फील कर रहे हैं, और भी तरीके से चीजों को बोला जा सकता था, है ना, समझ वही तो गए होंगे बोल रहे मेरा हैं, पॉइंट वही तो मैं बोल रही हूँ ना, मैम कि जब ना फिर सिद्धार्थ भाई का नाम आता और ना कुछ होता, वही तो ना। मैं कह रही हूँ, वही तो मैं कह रही हूँ कि ठीक है। और ममन पहले तो मुझे एक बात समझ नहीं आती, ये मूवी का प्रमोशन चल रहा है, ठीक है ये एक मूवी का प्रमोशन चल रहा है। आप देखो जितने भी कास्ट आए हैं, पलक तिवारी हो या और एक जो है, उनकी सबकी अलग अलग मतलब नेचर की, इसकी उसकी, किसी की मॉम की, किसी की रिलीजियस पिक्चर्स की, इसकी उसकी बात की गई। जब सना की बात आई तो आपने ये बात क्यों उठाया, आपने उसको ऐसे क्यों पोर्ट्रे किया। आप उसकी भी तो विटी नेचर की, उसकी हार्डवर्क की, उसकी स्ट्रगल की बात कर सकते थे ना, एंड ना बोल सकते थे कि हाँ मूव ऑन करो। आपने उसको इतने गलत नेगेटिव वे में पोर्ट्रे करा। चलिए इसको यहीं पे रोकते हैं और बस यही कहेंगे गाइस, अब देखो हो तो गया, टेलीकास्ट ही हो गया, एपिसोड सब कुछ हो गया, अब इतना डिस्कस करके हम भी जानते हैं शहनाज का बॉलीवुड डेब्यू हो रहा है, तो लेट्स हम उस पे ही अब फोकस करते हैं, है ना। अब जो होना था वो तो हो ही गया मीठी जी, आप भी जानती हो टेलीकास्ट भी हो गया, आप सोच नहीं है ना। सकते मन, मैं इतना खुश हूँ कि कपिल शर्मा शो आएगा, कपिल शर्मा शो आएगा, अरे सना को देखेंगे, सना को देखेंगे। और देखा तो ये देखा, आप सोच सकते हो तो इंसान कितना अपसेट होगा। जिस वही तो बंदी को यार हम हमने देखने, एक बंदी को जिसे हम देखने के लिए बैठे हैं, वो बेचारी बंदी चुपचाप बैठी है सैड होकर, है इमोशनल होकर, उसकी आंखें नम थी, वो किसी बात में रिप्लाई नहीं करी। हम ये देखने के लिए बैठे थे, हम 2 दिन से 1 हफ्ते से ये देखने के लिए इंतजार कर रहे थे। फुटेज चलो आप क्या हमें कहते दिखा, हैं, और क्या फुटेज आप हमें दिखा जी, रहे हो कि वो डांस कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, जब आपने हमें मेन और रेसिपी परोसी तो आपने ये परोसा। आप ये देखिए, लोग लोग तो सब तरह के ओपिनियन दे रहे हैं, लोग पता है इस चीज से भी खुश हैं कि हम सिडनास फैंस को ऐसे बोला है ना, तो लोग इस पे भी खुशियां मना रहे हैं, सोचिए यहाँ पे ये वो सोशल तो मीडिया के लोग देखिए मनाएंगे कैसे अमन, हैं। उन्हें उन्हें चांस मिल गया, उन्हें मौका, वो जो मौका चाहते हैं उन्हें वो मौका मिल गया है, उन्हें लिटरली सर्व करके दिया गया है ये मौका। अभी तो वो बातें और आप मनाएंगे। वही तो, वो लोग खुशियां मना रहे हैं, और इससे क्या है, इससे क्या है? वो चीज का आउटपुट भी तो देखिए, मतलब फैंडम तो टूट रहा है ना, इससे लोग हर्ट होते हैं, ऑफकोर्स वो तो टूटेगा, बोल के चले ऑफकोर्स गए, टूटेगा, वो तो बोल के चले गए अपने, मगर उनका सोचो जो उनके माइंड में ऐसा कुछ नहीं है, वो तो हमेशा साथ हैं। तो लाइव वाईफाई चला, लाइट चली गई थी। ओके पता नहीं अचानक से डिस्कनेक्ट हो गई। हाँ तो चलिए अब इंटरव्यूज की बातें करते हैं, आज देखे आपने दो हाँ इंटरव्यू, हाँ इंटरव्यूज मैंने देखे, बॉलीवुड बॉबी वाले, सिद्धार्थ कनन वाले, बहुत अच्छे इंटरव्यूज, बहुत ही अच्छे इंटरव्यूज। सना के इंटरव्यूज बहुत ही, हमेशा अच्छे होते हैं। फरीदून के, हाँ बहुत, फरीदून सर के साथ भी आए थे कल, कुछ आए कल कुछ इंटरव्यूज आए थे, उनको बहुत तो अच्छे पार्ट्स इंटरव्यू। में दे रहे हैं, उनको हाँ तो वो कितने हमेशा पता पार्ट्स नहीं में क्यों हमें पता पार्ट्स में डालते हैं, हमेशा 5 मिनट की 6 मिनट की डालते हैं। नहीं यार वो इतना क्यों वेट करवाते हैं उनको।
इंटरव्यू अमन वैसे मजा नहीं आता है देखने में, इंटरव्यू है ना एक साथ अगर हो तो अच्छा लगता है फिर सुनने में, फिर आप पार्ट बाय पार्ट 5 मिनट के 2 मिनट के 7 मिनट के ऐसे करके आप डालोगे तो फिर मजा नहीं आता है। हाय शोभना जी, हाय प्रवीण जी। अरे और अमन कल सना कितनी सुंदर लग रही थी ना इफ्तार पार्टी पे। यार, इफ्तार पार्टी में कितनी खूबसूरत लग रही थी यार, रेड में। कोई लग, कल इतना कुछ हो गया, किसी ने इफ्तार पार्टी पर तो ध्यान ही नहीं दिया सब। अब चलो इफ्तार पार्टी की बात करते हैं थोड़ी। सभी लोग बताओ बहुत कमेंट में, सुंदर और लग जो रहे सुन रहे हैं, हैं, कैसा लगा आपको शहनाज गिल का इफ्तार पार्टी लुक? बहुत ही प्रिटी। सिंपल सिंपल एंड सोबर क्लोथ में इतनी सुंदर लग रही थी सना कि अनमैचेबल था वो। हाँ, और वो वीडियो कितना वायरल हो रहा है, मोमो वाला। मोमो खड़ी हुई थी और हट गई हाँ वही बिना वही मैंने मतलब कहा, के। कुछ लोग तो मतलब उसे देखते ही ऐसे गायब हुए जैसे गधे के सर से सींग। वेरी एलिगेंट, बेस्ट ड्रेस था शहनाज का सच में। कुछ लोग बोले कि उनको शहनाज की बिग बॉस 13 के फिनाले वाली ड्रेस याद आ गई, कल की ड्रेस देख के। और आप मैंने ये ऐसे देखो कमेंट्स। अमन, जैसे ही सना ने एंटर किया उसने जो मतलब डोर पे गार्ड खड़ी खड़ी थी उनको तो ग्रीट किया है। अब बताओ इतनी सिंपल इंसान आपने देखी है? मैंने तो नहीं देखी अपनी लाइफ में। सच में बहुत ही सिंपल, स्वीट, सिंपल अवर सा, क्वीन, अवर कोई प्राइड, अवर एंजल। कुछ भी मतलब कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं, कुछ भी एक्स्ट्रा मेकअप नहीं, कपड़े नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ वही उसकी ब्राइट स्माइल, वही सब चीजों पर वो चीज भारी पड़ती है उसकी जो स्माइल है। आते ही उसने कितने अच्छे से ग्रीट किया, उसने जो उनके मतलब गेट्स पर गार्ड खड़े थे उनको भी उसने ग्रीट करा। सच में यार, मतलब ये ना अमन, सना की कोई बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं है जो हमारा दिल जीतती है, यही सब छोटी छोटी बातें हैं उसकी जो हमारा दिल जीतती है। कोई उसे बहुत बड़ी चीज करने की जरूरत नहीं कि अरे भाई साहब बहुत बड़ा काम कर दिया इसलिए हमारा दिल जीता, नहीं ऐसा कुछ नहीं। उसकी जो छोटे छोटे जेस्टर्स है ना वही हमारा दिल जीतते हैं, वही चीज उसे सबसे अलग करते हैं। बाकी लोग तो देखो कुछ पहन लेते हैं, कुछ मतलब वो मेकअप वेकअप सारी चीजें तैयार होके आते हैं तो पता नहीं खुद को पता नहीं कौन से ग्रह के समझते हैं, मुझे तो ये समझ नहीं आता। वो सिर्फ हवाओं में रहते हैं, जमीन पे तो पैर रखते ही नहीं। सो ट्रू, आवर स्ट्रॉन्ग एंड स्वीट गर्ल ऑलवेज, सच में और वो वेरी वीडियो सिर्फ प्रिटी। विरल ने डाली थी, वहां उसे इतने नेगेटिव कमेंट्स आ गए उनको कि उन्हें वो वीडियो डिलीट करनी पड़ी। ट्रू, सी इज सच अ सिंपल एंड दैट्स व्हाट टच अवर हार्ट, सच में। वन एंड ओनली सना। और वो वाली सुना तो भी भाई बातें दोबारा डिस्कस हुई ना सिड करण के इंटरव्यू में, घर वाली। चलो हाँ वो वाली नहीं, कहती नहीं कहती है अब तो मैं काफी दिन हो गए तो अब आप यूज कर सकते हो मेरा वॉशरूम। अभी शुरू शुरू में ऐसा था, अगर कोई सोफे पे बैठ जाए तो बोलती उस थी वक्त नीचे मेरा, बैठो। हाँ उस वक्त मेरा घर काफी नया था ना, तो फिर मैं ये सारे मैंने रूल्स बनाए थे, अभी तो मैंने चेंज कर दिए, अभी आप यूज कर सकते हो। और सेनाज ने कल एंड में कहती है अमन वो जो कॉमन वाला है ना वो यूज कर सकते हो आप। हाँ जो बाहर बनाया है, सो हाँ स्वीट। और विश भी किया कि मुंबई में लोगों को सालों लग जाती है मगर आपने इतनी मेहनत की, तो सेनाज कहती हूँ मैं थैंक यू बोलती हूँ उनके मैनेजर को। वही फिर वो उनका वो दिखाया। वही तो बड़ी बात है ना अमन। देखो हाइट सभी अचीव करते हैं लेकिन इसने बहुत कम टाइम में बहुत ऊंची हाइट अचीव की है, इसीलिए लोगों की आंखों में झुकती है। ऐसा नहीं है कि सना से पहले किसी ने हाइट अचीव नहीं किया किया है, लेकिन बहुत सालों में उनकी आधी जिंदगी बीत गई उसके बाद उन्होंने अचीव किया है, लेकिन सना
सना ने सिर्फ 2-3 सालों में ही वो हाइट अचीव किया है जो लोगों को अचीव करते करते जिंदगी निकल जाती है। इसीलिए वो लोगों की आंखों में दिखती भी है। वही तो, इसीलिए हम सब लोगों से इसलिए क्या बोलते हैं कि पॉजिटिव रहो और एकजुट रहो, किसी भी तरह की नेगेटिविटी अपने पॉजिटिव आप पे हावी मत पॉजिटिव होने हम दो। पॉजिटिव हम रहते हैं। अमन ऐसी बात नहीं है, सिग्नल जो हमारा फैंड है ना, हम पॉजिटिव रहते हैं, लेकिन कुछ कुछ बातें ऐसी हो जाती हैं कि फिर वो हम इंसान भी हैं ना, हम सिग्नल के साथ साथ इंसान भी हैं, फिर हमें तो चुभेगी ना। अब आप हमारे आइडल के बारे में, आप जो चीज़ है नहीं, दूर दूर तक भी नहीं, आप अगर वो चीज़ें बोलते ही जाओगे बोलते ही जाओगे बोलते ही जाओगे तो एक टाइम पे तो हम रिएक्ट करेंगे ना। यस रेखा जी, और रेखा जी आपने बात की रिचा जी से, फिर आप कैसे देखने जा रही हो मूवी कमेंट में बताओ। ओनली 4 days लेफ्ट फॉर द मूवी, सभी लोग तैयारियां कर लें क्योंकि अब वक्त बहुत कम है हम लोगों के पास। ओनली 4 days मीठी जी, केवल 4 दिन बाद आप सेनास को देखने वाली हो बड़े पर्दे पर एक बार फिर से। देखूंगी तो जरूर अमन, बट हो सकता है पॉजिटिव फर्स्ट शो ना देखूं, कुछ टाइम बाद देखूं, बट देखूंगी तो जरूर। सच में क्योंकि यहाँ तो एडवांस बुकिंग चल रही है अमन, एडवांस बुकिंग चल रही है। गाइस कमेंट में आप सब लोग भी बताओ कहाँ कहाँ देखने वाले हो लाइव मूवी को, एक बार सभी लोग बताओ। हरजीत चावला जी कह रही है मैं तो फर्स्ट डे फर्स्ट तो देखूंगी, क्या बात है क्या बात है, सभी लोग बताइए सभी लोग बताइए। आपने एक चीज देखा मन, उसमें सिद्धार्थ खान ने कहा कि आपसे मूवी को हाइप मिल रही है, आपकी आपकी तरफ से भी। तो तुरंत सना ने कहा कि ये मूवी सलमान सर की और पूजा हेगड़े जी की है, आप उन्हीं का समझ के देखने जाइए, और इस मूवी में मैं भी हूँ, मैं ही हूँ नहीं, उसने क्लियर वर्ड्स में कहा ये चीज। हाँ उन्होंने ये भी कहा कि सभी कलाकार सभी एक्ट्रेस ने वर्क किया है, सभी को सभी अच्छे अप्रिशिएट हैं, करो, ये भी बोला। सभी को सभी के लिए देखने जाइए, सिर्फ मेरे लिए नहीं। सोचो वो इतनी सिंपल देखो लड़की है, वो कितनी चाहती, सिंपल है। इतनी सिंपल है, अगर वो चाहती वो उस वक्त लाइमलाइट ले सकती थी कि हाँ हाँ मैं, मेरी वजह से मेरे फैंस तो मेरी वजह से जाएंगे, ये है वो ऐसा मैसेज दे सकती थी और हम जाएंगे उसकी उसी की वजह से, वो कह सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं कहा। उसने कहा कि ये सलमान सर और पूजा हेगड़े की मूवी है, आप इन्हीं का समझ के देखो, और सभी कलाकार उसमें बहुत अच्छे हैं, तो उसमें मैं भी हूँ। उसने नहीं कहा कि आप इसका पूरा बोझा मेरे ऊपर डाल दो। सभी बता रहे हैं मिस्टिकली कह रही वो लंदन में देखेंगी, अलका जी मुंबई में देखेंगी, क्या बात है, चावला जी जयपुर में देखेंगी, दिव्या जी केरला में, चहल जी मुंबई में। अमन तुम रात को लाइव तो कर पाओगे ना, लगता है कोल्ड हुआ है तुमको। सोनिया जी लाइव कभी नहीं रुकने वाली, लाइव तो मैं कैसे भी ना कैसे आ ही जाऊंगा। कल नहीं आया मैं देखा। कल आप नहीं आते प्रवीण थे जी अमन, कल रात अगर आप नहीं आते तो लोगों की हालत और खराब हो जाती, एटलीस्ट लोग शेयर तो कर पाए आकर किसी प्लेटफॉर्म पे कि वो जो भी फील कर, लो फील कर रहे थे, तो अगर आप नहीं आते कल रात निकिता तो लोगों की तबीयत और खराब हो जानी थी। जी कह रही है सब मैं ठाणे में देखूंगी, क्या बात है। आशा जी कह रही है जयपुर में देखूंगी, वाह सभी लोग यार अपना अपना प्लान रेडी करके बैठे हैं, अमेजिंग। बस कुछ ही लोगों ने बताया, बाकी लोगों ने नहीं बताया, क्या यार सब लोग बताते तो अच्छा लगता, कहाँ कहाँ देखने वाले हो। ओ मंजू पांडे जी कानपुर में देखेंगी, सही है, कानपुर में मैं रहा हूँ मंजू पांडे जी, 1 साल 2014 में काकादेव में रहा था, मैं कोचिंग करने आया था। तारा जी ऑस्ट्रेलिया में, ओहो अमन कोल्ड ड्रिंक इतना मत पियो। रंजना जी कोल्ड ड्रिंक क्या करूं आदत है रहा नहीं जाता, एक ग्लास कोल्ड ड्रिंक पीता हूँ एक ग्लास गर्म पानी। प्रवीण जी पुणे में देखेंगी, मैं नवी मुंबई में सी वुड मॉल में देखूंगी, क्या बात है दीपा जी। रीना जी कह रही मैं जयपुर में, मिल्का जी गाजियाबाद में, और स्मृति जी भोपाल में, पूजा कर कह रही है वो नेपाल में देखेंगी, ठीक है। और प्रगति जी कह रही हाय, मंजुनाथ पूजा ऑस्ट्रेलिया में देखेंगे, आपको पहली बार देख रहे हैं हम अपनी लाइफ पे, वेलकम। वाह, लंदन में श्वेता जी बेंगलोर में, ऐसा जमशेदपुर झारखंड,
क्या सही आशा सर जी लंदन में, वाह वाह। शोभना जी लंदन में, लंदन वाले बहुत दिख रहे हैं, क्या बात है। बुक कर लो, सभी लोग बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है अपने अपने यहाँ पे भी। एडवांस बुकिंग चल रही है मैम, एडवांस कुछ बुकिंग होटल्स में। स्टार्ट हो गई है, काफी लोग कर रहे हैं, ट्विटर पे भी डाल रहे हैं। सही है। कल हम लाइव इसलिए नहीं कर पाए थे, नहीं थे कल ट्रेन चल रहे थे ना, सिद्धार्थ भाई का चल रहा था, सिद्धार्थ हाँ शुक्ला लिव सोन, वो मैं और समझ गई शहनाज थी। का चल रहा था, शहनाज बॉलीवुड एंट्री। हाँ मैंने वेट किया थोड़ी देर तक, फिर मुझे याद आया कि अरे आप आज तो ट्रेंड चल रहा है, इसलिए नहीं है। हाय रुपिंदर जी। पूनम मोहित कह रही है आई विल वॉच इन आगरा। ओ माय गॉड, आप तो मेरे घर के बहुत ही क्लोज हो। आगरा मेरे घर से 100 किलोमीटर है, 100 किलोमीटर। तो सही प्रीमियर है, कब ये की अपने है? अच्छा प्रीमियर तो आपका वो 21 को ही होगा, 20 या 21 को।21 को। हाय सेनोरिता जी, हाय रंजना जी, हाय अर्चना जी, तो फिर अब सना 21 को और दिखेंगी सेनास और का फिर सैन और सेनास का नाम देखो क्या है, सुकून। वाह। ये नाम तो मुझे इतना पसंद आया ना मैम, वाकई में वो हम सबके दिल का सुकून है। हमारी आंखों के लिए सुकून है, हमारे दिल के लिए सुकून है, और वाकई उसका जो नाम रखा है ना, माइंड ब्लोइंग। मैं तो कहती सच में हूँ सना को अपना नाम ही यही रख लेना चाहिए, सुकून। तो वाकई हम सबको बहुत सुकून ही देती प्यारा है। नाम है। और गाइस, हम लोग ऐसे ही लाइव आते रहेंगे, ऐसे ही इसी टाइम पे हमारा फिक्स हो गया है, क्योंकि इतनी गर्मी होती है, नींद भी नहीं आती है, इससे अच्छा लाइव में ही वक्त गुजर जाया करेगा। इस टाइम लाइव आते रहेंगे ऑलवेज, ठीक है। बहुत ही प्यारा नाम है सुकून। एकदम सबसे अलग अलग नाम है अमन, यूनिक। जैसे कि उसमें नाम तो और भी हैं, चाहत है, मुस्कान है एंड ऑल, बट सुकून इज डिफरेंट, इट्स यूनिक। वेरी ट्रू। हम तो सारे ही अच्छे अच्छे रखते गए हैं, बट ये थोड़ा और देखिए, अलग है। और ऐसे ही हमने पूछा था क्वेश्चन कि कौन जो सही आंसर बताएगा उसके लिए मैं एक अनसीन पिक्चर दूंगा, और कल मैंने वो अनसीन पिक्चर दी बकायदा शेयर की। तो गाइज, जिसने ऐसे बताया था, मैंने बकायदा प्रॉमिस किया था ना कि एक अनसीन पिक्चर दूंगा आप लोगों को, और मैंने वो पिक्चर अपलोड कर दी। वैसे तो अभी भी मेरे पास बहुत है, नेक्स्ट टाइम के लिए रख रखी है वो, जब क्वेश्चन पूछूंगा तब दूंगा नेक्स्ट, ठीक है सही ना गाइस, कंफर्म करो। मैंने बोला था ना अनसीन पिक्चर दूंगा एक, तो वादा मैंने बोला, अपना वादा कंप्लीट किया। बोलो हाँ, अमन ने वादा कंप्लीट किया अपना, कोई कहना दे फिर जो मैं बोलता हूँ करता हूँ, जो मैं नहीं सारे बोलता कमेंट वो में लिखो, डेफिनेटली करता हूँ। सारे कमेंट में लिखो अमन इज मैन ऑफ हिज वर्ड्स। यस, ओके, वेल डन। यस सेनोरिता जी, सब है, अच्छा है, सब पॉजिटिव है, ऐसे ही रहो, मिलजुल के रहो, खुश रहो। सेनोरिता जी, अभी मैं जा रहा हूँ, एक्चुअली लाइट नहीं आ रही है ना, तो इसीलिए नेक्स्ट टाइम आता हूँ तब बात करते हैं, ठीक है मीठी जी। ओके ओके अनन, चलो अच्छा लगा आप ड्यूरिंग बाय। टाइम चलो इस टाइम जुड़ती है मेरे साथ, थैंक यू। बाय अनन, यू टेक केयर एवरीवन, बाय केयर आप एवरीवन। या सब ऐसे ही रहो, खुश रहो, और हम और लोग सारे साथ पॉजिटिव हैं। रहिए, खुश रहिए, यही हम और सपना को सपोर्ट करिए, यही हम कर सकते हैं बस। थैंक बस, थैंक यू अनन, यू, बाय। बाय बाय। यस सिड कनन एंड बॉलीवुड बबल का इंटरव्यू आया यूट्यूब पर, वहां पे देख लीजिए सेनास के इंटरव्यूज, ठीक है। और बिल्कुल किसी भी चीज को वो मत होइए, है ना, कीप लविंग सिद्धार्थ सेना सिडनास, है ना, ऑलवेज एंड फॉर एवर, एंड वी आर विद सेनास इन एवरी थिंग। कोई हमें कुछ भी बोले, साथ रहना है सेनास के।
सिद्धार्थ भाई की फैमिली के, राइट? थैंक यू। है ना, अगर हम नेगेटिव होंगे तो इसका सीधा फर्क कहाँ पड़ेगा, सहनाज की जो इसको इतना प्यार मिला है उस पे, उसके फैंडम पे। लोग तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं मगर हमें टूटना नहीं है, साथ देना है। ठीक है, इसी पॉजिटिव नोट के साथ चलते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट लाइव में, और मैं हमेशा यही हूँ और हमेशा लाइव करूंगा, आप कभी भी मत सोचना। ठीक है, चलिए, टेक केयर, बाय, फिर मिलते हैं, बाय।